आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं जबलपुर से चलकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां कोरचोली के जंगल में हुए मुठभेड़ में नक्सलियों की संख्या 13 हो गई है, जिन्हें जवानों ने मार गिराया है। और एक चीज जान लीजिए, एक साल पहले हमारे 20 से अधिक जवानों को शहीद किया गया था, नक्सलियों ने मार गिराया था, और ठीक एक साल बाद जवानों ने सफलता हासिल की। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर संजय का रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। टेकलगुड़े मुठभेड़ की आज तीसरी बरसी है। 3 अप्रैल 2021 में इस मुठभेड़ में 22 जवानों को नक्सलियों ने मारा था। वहीं 3 साल बाद उसी इलाके में पुलिस ने एक साथ 13 नक्सलियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में 13 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। मंगलवार देर रात 10 ही शव मिलने की सूचना थी। बीजापुर SP जितेंद्र यादव के मुताबिक करीब 18 घंटे एनकाउंटर चला, जिसमें 13 नक्सली ढेर किए गए, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल है। गंगलूर थाने क्षेत्र का मामला है, कुड़िया क्षेत्र के अंतर्गत। हम लोग को सूचना मिली थी कि कंपनी 2 और प्लाटून नंबर 11, 12 और 13 के लोग वहां उपस्थित है बड़ी संख्या में, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हमारी खुद की DRG की टीम थी, CRPF, कोबरा और STF की टीम थी। 3 दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें फिर लास्ट में कल जो हमारे जो EF हुए, कई मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ फायर्स में, मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4-5 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार है। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं, परसों एक और दूसरे जिले का था, और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है, और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले। बस्तर से संजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हेडमा के घर में जब पुलिस पहुंची थी तब भी वहां पहुंचे थे, और अब ये जो द्वंद हुआ है, जो तकरार हुई है, और इस लड़ाई में जवानों ने फतह हासिल की, वहां भी संजय पहुंचे हैं। संजय, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वार्तालाप हो जाए, और यहाँ 13 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है, तो जरा वार्ता की बात बता दीजिएगा। वक्त कम है संजय, वरना इस खबर को और ज्यादा एक्सप्लोर करते। वार्ता को लेकर लगातार जो है, जब से सरकार आई बीजेपी की, तब से एक बात चल रही है कि कभी नक्सली पत्र लिखते हैं, कभी मुख्यमंत्री जो है अपनी तरफ से एक ऑफर देते हैं वार्ता का, लेकिन वार्ता कैसे होगी जब लगातार नक्सली भी हमले कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने जरूरी है। तो फिलहाल तो वार्ता होती नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि TCOC के दौरान जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर 13 नक्सलियों को मार दिया है, यानी कि नक्सली बैकफुट पर हैं। ये TCOC जब सबसे मजबूत होते हैं नक्सली, उस वक्त जवान उनके गढ़ में घुस रहे हैं, लगातार कैंप भी खोल रहे हैं और इस तरह के बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जल्दी इसको खत्म करता हूँ, कि ये 13 नक्सली मारे गए हैं, ये मारे गए हैं पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी के PLJ2 के ये नक्सली हैं। मतलब जब इनकी शिनाख्त होगी। संजय, एक चीज और समझ में आ रही है, नक्सली भी बार बार पर्चे फेंक रहे शर्तों के साथ बातचीत के, और उप मुख्यमंत्री भी बार बार इशारा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। संजय जी बिल्कुल, हम अभी इस वक्त जो देख रहे हैं बस्तर में, ये नक्सल इतिहास में एक बड़ा मोड़ है। नक्सलियों को अपने सबसे मजबूत आधार इलाके पे को छोड़ना पड़ रहा है, ये लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में नक्सलियों के पास वार्ता का ही रास्ता है, या फिर नक्सलियों को दक्षिण बस्तर का इलाका छोड़ना होगा जो पिछले 4 दशकों ठीक है सबसे ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अलग देखा जा रहा है ये घटनाक्रम जो हो रहा है। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जो संजय ने बताया कि अलग तरीके का बस्तर में हमने कभी नहीं देखा, अब देखने को मिल रहा है।